हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन। अ प्लेनेट मूविंग अलोंग द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स इज क्लोजेस्ट टू द सन एट द डिस्टेंस R1 एंड फर्दस्ट अवे एट द डिस्टेंस R2। इफ V1 V2 आर द लीनियर वेलोसिटी एट द दीज पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ V1 V2 इज। सॉल्यूशन, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, एक इलेप्टिकल पाथ बनाते हैं। और इस इलेप्टिकल पाथ में जो आपका सन होता है वो एक फोकस पर होता है, किसी भी एक फोकस बना दे। मान लो यहाँ पे एक फोकस बना लिया और ये सन बना दिया। तो देखो, अगर प्लेनेट यहाँ होगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है सन की, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस उसने कहा है क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज R1। तो ये R1 है और इसकी जगह पर स्पीड दे रखी है V1। और ये सन से, ये वाला प्लेनेट अगर यहाँ होगा तो ये सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो ये वाली यहाँ से लेके ये मैक्सिमम डिस्टेंस है R2, और प्लेनेट की स्पीड यहाँ पर ये V2 होगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा आपको कि ये जो R2 है ना, यहाँ पे इसका टेल हमेशा सन पर रहता है और हेड यहाँ रहेगा। तो R2 को एक्सटेंड करेंगे हम ऐसे, तो इसके बीच में 90 डिग्री होता है यहाँ पर, R2 और वेलोसिटी V2 के बीच में। ऐसे ही यहां पर टेल सन पे रहेगा और हेड यहां रहेगा, और एक्सटेंड करेंगे तो R2 R1 वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री होगा। बस केवल यही दो पॉइंट होते हैं जहां पर ये R और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री होता है। अगर किसी कोई जनरल पॉइंट ले लें, जैसे यहां ले लें सेटेलाइट, ये प्लेनेट घूम के यहां आ जाए, तो R ये होगा और वेलोसिटी टेंजेंशियली दिखाते हैं, ये ऐसे होगी, और ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता। ये कुछ एंगल है आपका थीटा, हर एक पॉइंट पे थीटा ही होगा, ठीक है। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम इसमें कंजर्व रहता है। अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो इसमें एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में बोथ आर कंजर्व, दोनों कांस्टेंट होते हैं। मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती। ये से ये आपका सैटेलाइट है, सन है सॉरी, और ये आपका प्लेनेट है, और ये रेडियस हो गई, सन को प्लेनेट से ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई, डिस्टेंस हो गई आर। तो इसको एक्सटेंड करते हैं, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन हो गई और वेलोसिटी ऐसे दिखा ली, और इसके बीच में जो एंगल है ये थीटा हो गया। तो एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम होता है जो एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो। और मैं इसे और ऐसे ले सकते हैं, आर वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv वेक्टर। तो m तो स्केलर है, इसलिए m बाहर आ जाएगा, और इसे लिखते हैं r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। मैग वेक्टर फॉर्म में ये है, अगर इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो l इज इक्वल टू m r क्रॉस v, लिख सकते हैं rv sin थीटा। यहाँ पर थीटा जो एंगल है वो एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर r वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बिटवीन एंगल होता है, टेल टू टेल लेते हैं, ठीक है। देखो, ये आर वेक्टर को एक्सटेंड कर लिया मैंने, और ये एक्सटेंड कर लिया तो आर वेक्टर का टेल ये रहा और वी वेक्टर का टेल, इनके बीच में ये एंगल होगा थीटा। तो इस जगह पे तो ये होगा, लेकिन इस जगह पे लिखते हैं अगर हम एंगुलर मोमेंटम, इसे अपोजी बोलते हैं बेटा। सबसे जब दूर डिस्टेंस होती है ना सन से, जो सबसे सेटेलाइट प्लेनेट सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस पे होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, उस पोजीशन का नाम अपोजी या एपेलियन भी बोलते हैं। तो एल इज इक्वल टू इस जगह पे लिखें, जैसे ए, इसको ए पोजीशन डाल दूं तो एल ए लिखूं, और ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, एम आर डिस्टेंस है R2 है ना, और वेलोसिटी V2 लेट करी है आपने, गिवन भी है कि R2 डिस्टेंस पे वेलोसिटी V2 है, और एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया mR2V2 sin 90 की वैल्यू 1। और एक जगह पे लिखते हैं तो एल से बी वाला पॉइंट मान लें, तो एल बी इज इक्वल टू एम, प्लेनेट तो वही है, घूम के यहाँ से यहाँ आ गया ऐसे, और वेलोसिटी V1 और डिस्टेंस कितनी है R1 और एंगल है 90 डिग्री, इसीलिए ये हो जाएगा mV1 R1। ये बी पॉइंट पर हो गया। लेकिन अगर कोई जनरल पॉइंट जैसे यहाँ लिखता, तो इस सी पॉइंट डाल लेता हूँ, इस सी पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम लिखता तो मास तो एम ही है, डिस्टेंस मैंने आर लेट करिए, और वेलोसिटी वी और एंगल थीटा, तो
यहाँ पे ये होगा बेटा, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं कि सब जगह पर यही होता है। कॉन्सेंट्रेट करा इस वाली बात पर। अच्छा, दूसरी बात, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसीलिए अकॉर्डिंग टू, अभी कांस्टेंट क्यों रहता है ये बता दूंगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट सन, ये कांस्टेंट रहता है बेटा, ठीक है? इसीलिए एल ए, एल बी और एल सी तीनों ही बराबर होंगे। हर एक पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड में भी सेम और डायरेक्शन में भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम आती है। ए पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम लिख लो, अभी तो हमें ए का और बी का डाटा दे रखा है क्वेश्चन में, इसीलिए ए का लिख लेते हैं एम आर टू वी टू, और बी का लिख देते हैं एम वी वन आर वन। एम से तो एम कैंसिल हो गया, पूछा क्या है से वी वन अपॉन वी टू पूछा है, तो वी टू को नीचे ले आ, तो वी वन अपॉन वी टू, वी टू को नीचे लेके आए तो आर आर वन को दलाना पड़ेगा, इसीलिए आर टू अपॉन आर वन, ये रिलेशन हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे आर टू बड़ा है किससे, आर वन से, तो आर टू अपॉन आर वन इज ग्रेटर देन वन, तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन बता देता हूँ, तो दैट इज वी वन इज ग्रेटर देन वी टू। तो मतलब सन के जो समीपस्थ, जब क्लोजेस्ट होता है सन के, सबसे प्लैनेट्स क्लोजेस्ट होता है, वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और फर्दर होता है वहां पर वेलोसिटी मिनिमम होती है। देखो वी वन ज्यादा आ रहा है वी टू से। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट क्यों रहता है, अगर उसकी चर्चा कर लें थोड़ी सी, तो ये सन है और ये प्लेनेट है, इसका मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम। तो ये सन, इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा एफ, उस फोर्स की, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन सन एंड प्लेनेट, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, वो सन से जा रही है। तो सन के अबाउट टॉर्क निकालें प्लेनेट का अबाउट द सन, वो जीरो आएगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सन से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड सन जीरो हो जाएगी, और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क जीरो तो टॉय बराबर होता है डीएल बाई डी टी, और टॉर्क जीरो रख देंगे तो डीएल बाई डी टी जीरो, और डीएल बाई डी टी जीरो होने का मतलब है कि डीएल जीरो, डीएल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट, देन एल कॉन्स्टेंट, इसीलिए एल एल कॉन्स्टेंट रहता है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। इसलिए इसका आंसर वैसे क्या होना चाहिए, वी वन अपन वी टू आर टू अपन आर वन होना चाहिए, सी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।